नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज हुई लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 79,000 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में सप्लीमेंट्री कॉलेजेस को लेकर, साथ में प्राइमरी या सेकेंडरी शिक्षकों के दोस्तों लगभग 10 लाख पद यहाँ पे खाली हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अन्य विभागों में तो लगभग 200 पदों की संख्या 18 लाख के आसपास है। दोनों को मिला दें तो 228 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। तो दोनों अपडेट को हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की तरफ से लगातार मुहिम चलाई जा रही है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा ताली और थाली बजाकर अभ्यर्थी ने विरोध किया। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर देखा कि अभ्यर्थी 9 तारीख को 9 मिनट के लिए रात को 9 बजे सभी दोस्तों लाइट को बुझा करके विरोध करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों एक चौंकाने वाले आंकड़े देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी शिक्षकों की अगर हम बात करें लगभग 210 लाख जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और अगर दोस्तों अन्य विभागों को यहाँ पर मिला दें तो पदों की संख्या लगभग 218 लाख के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा एक न्यूज़ रिपोर्ट की माने, उसके माध्यम से यहाँ पे दोस्तों देखने के लिए मिला देश भर में हाई कोर्ट के अंदर लगभग 2388 पद यहाँ पे खाली हैं। टोटल पदों की संख्या लगभग 228 लाख है। आईटीबीपी की दोस्तों लगभग बात करें 6398 हैं। अभी तक मुझे याद है पिछले 15 सालों से मैंने दोस्तों आईटीबीपी की वैकेंसी भी नहीं देखी है। बहुत कम वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलती हैं आईटीबीपी की। राइफल्स की लगभग दोस्तों बात करें 3774 है, जो कि असम। वहीं सिर्फ दोस्तों रेलवे की बात करें 151 दोस्तों आपको देखने के लिए मिले, लगभग 215 लाख पद यहाँ पे आपके खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, सुरक्षा कैटेगरी की बात करें, अध्यापकों की दोस्तों अगर बात करें 17,092 स्वीकृत है, जिसमें से 5,606 पद खाली हैं। CRPF की दोस्तों बात करें 22,000, BSF के 19,000, साथ में दोस्तों अगर आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत 4,70,057 पद दोस्तों यहाँ पे खाली हैं। और पदों की संख्या दोस्तों आप भी यहाँ देखिए, देश भर में पुलिस कर्मियों की अगर बात करें 4,00,000 दोस्तों, अगर 4.5 लाख पद मान के चलो पुलिस कर्मियों के खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों की दोस्तों अगर बात करेंगे, जिनका दोस्तों काफ़ी योगदान है शिक्षा के संबंध में, उनकी दोस्तों संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। अब ऐसे में इनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ जब आपके पास 10 लाख शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि एक शिक्षक कम से कम 30 अभ्यर्थियों को पढ़ाता है। अब 30 का मल्टीप्लाई आप लोग इसके साथ कर लो कितनी संख्या बन जाएगी। लेकिन इनका कहना है पद ही खाली है तो क्या होगा। देश भर में एम्स के दोस्तों लगभग 20,000 पद खाली पड़े हुए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की दोस्तों अगर बात करें, रेलवे डाक विभाग के पद खाली पड़े हैं। तो मतलब दोस्तों सभी पदों को मिला दिया जाए 28 लाख बताए जा रहे हैं। अगर इनमें से दोस्तों इसका 1/4 भर देते हैं, जो कि लगभग दोस्तों आप मान के चलिए 7,000 भी भर दोगे तब भी अभ्यर्थी को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा दोस्तों इन मुद्दों पर बात की जाती है जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। अभ्यर्थी चाहते भी हैं कि इन मुद्दों पर बात की जाए रोजगार को लेकर, लेकिन ना तो किसी केंद्र सरकार की तरफ से, ना ही दोस्तों अगर बात करें राज्य सरकार की तरफ से इन मुद्दों पर बात की जाती है। अभ्यर्थी इसी को लेकर लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकारों की, राज्य सरकारों की वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी व्यथा को लिख रहे हैं। और आपको बताया जमीनी स्तर पर भी दोस्तों कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें 79,000 शिक्षकों, कुछ ऐसा ही हाल है। तमाम दोस्तों भर्तियाँ निकलती हैं, मामले न्यायालय के अंदर चले जाते हैं। अभ्यर्थियों को इतना समय पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता जितना समय दोस्तों न्यायालय की तारीखों को समझने में लग जाता है। ऐसा ही कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों कॉलेजेस के बारे में अभ्यर्थी लगातार परेशान है। कभी जजेस की छुट्टी को लेकर परेशान होते हैं, कभी दोस्तों अधिवक्ताओं की छुट्टियों के बारे में। तो ऐसे में दोस्तों 9 तारीख की, मतलब कल की, जो सप्लीमेंट्री कॉलेजेस है वो जारी हो गई है। इसके अंदर दोस्तों ललित सर की बेंच ही नहीं बैठ रही है, मतलब दोस्तों ललित सर नहीं बैठेंगे तो ऑर्डर वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको बताया कि मोहन सर यहाँ पर छुट्टियों पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें मोहन सर की वापसी के बारे में अगली कोशिश को लेकर, जो कि 211/9/2020 की, जिसके अंदर भी दोस्तों ना तो मोहन सर बैठे हुए ना ही दोस्तों ललित सर बैठे हैं। तो ऐसे में आप सभी मान कर के चलिए कि 11 तारीख तक भी आपका जो ऑर्डर है वो नहीं आएगा। इससे पहले दोस्तों 2-4 स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, जहाँ पर यह दावा किया गया था कि 4, 7 और 11 को मोहन सर बैठेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको कहा भी था
कि यह स्क्रीनशॉट पिछली सुनवाई के माध्यम से आपको बताए जाते हैं, अगली सुनवाई में 100% बैठेंगे ऐसी कोई जानकारी इसके माध्यम से नहीं निकलती है। तो ऐसे में दोस्तों 11/9/2020 तक भी दोस्तों पुरानी बेंच नहीं बैठ रही है और ना ही दोस्तों ललित सर भी बैठ रहे हैं 11 तारीख को। तो ऐसे में ऑर्डर आने की संभावना फिलहाल कम हो जाती है। एक ऑर्डर के माध्यम से ललित सर की तरफ से स्वयं कहा गया था कि 69,000 संबंधित सभी मामलों को तभी सुना जाएगा जब 69,000 कट ऑफ मुद्दे का फैसला आ जाएगा, जिसकी सुनवाई 13 सितंबर को होने वाली है, लेकिन 11 तारीख तक आपका जो मामला है वह लिस्टेड नहीं हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों अभी 1-2 दिन का समय शेष है, उम्मीदें कम है, लेकिन जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी। अगर दोस्तों 11 तारीख के बाद भी ऑर्डर नहीं आता है तो मान करके चलिए दोस्तों आप सभी के सामने जो अगली सुनवाई होगी वो लगभग 214-215-16 के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, 13 तारीख को सुनवाई नहीं है, वह सुनवाई की तारीख 14 तारीख को बाई मिस्टेक मुँह से निकल गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 9 तारीख को 11 तारीख की जो गोजिस जारी हुई उसके अंदर आपकी बेंच नहीं बैठ रही है, बाकी जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। ऑर्डर के संबंधित अभी तक दोस्तों कोई भी यहाँ से जो तारीख है वो कन्फर्मेशन नहीं हुई है, चाहे वो रजिस्ट्री के माध्यम से हो या फिर दोस्तों AOR के माध्यम से। ये थी दोस्तों अभी अभी के लेटेस्ट अपडेट फ्लाइस वीडियो के माध्यम से। इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।